तो बिना किसी ज्यादा डिटेल्स में जाए हुए, ठीक है, उनको बेसिक समझना है कि बेसिकली कि रशिया और यूक्रेन का इश्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि तो उतना डिटेल्स क्या हुआ क्या हुआ, उतना माइन्यूट डिटेल्स किसी भी एंगल से हमारे लिए काम करनी है। हमारे लिए मेन मोटिव क्या है कि इन दोनों के बीच में जो वॉर हो रहा है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना, ठीक है, उसका रीजन जानना, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा वो, ठीक है। इसीलिए बिना किसी भी डिटेल्स में जाए हुए, ये जाए हुए हम लोग सिर्फ इसका जो मैप है, मैप के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, और ये इतना बड़ा इशू क्यों बना है, आखिर प्रॉब्लम कैसे हुआ इसका, ठीक। तो स्टार्ट करते फिर, देखो ये रहा यूक्रेन, ठीक है, ये बेसिकली हमारा यूक्रेन, और ये रहा रशिया, ये यूक्रेन रहा और ये रशिया रहा हमारा, ठीक है, ये वाला मैप इसका रहा। तो एक बार क्या है, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ा ठीक से रखना, बिकॉज याद रखना, बिकॉज ज्योग्राफी जो होता है ना, तो किसी भी वॉर के लिए या किसी भी कंट्री का जो वॉर हो रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ का ज्योग्राफी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखोगे तो किसी भी कंट्री का यूएसए के साथ वॉर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यूएसए का लोकेशन ही ऐसा है कि उसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है और वेस्ट में उसका पैसिफिक ओशियन है, ठीक। आसपास ऐसा कोई कंट्री है ही नहीं जिसके साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, और जो कनाडा और जो मैक्सिको आसपास है, तो वो इतना बड़ा पावर है कि नहीं, है नहीं, इसको चैलेंज कर सके, ठीक है। और दूसरा बात क्या है ना कि इसका ज्योग्राफिकल एंगल से क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्या ये रहा हमारा ब्लैक सी, ये रहा हमारा रशिया, ठीक है, और ये रहा यूक्रेन, ठीक। तो ये हमने लोकेशन देख लिया हमने, तो इसका थोड़ा सा नेबरिंग कंट्री याद रख लेना थोड़ा सा, जैसे ये रशिया रहा, ये बेलारूस रहा, ये पोलैंड है, ठीक है, ये स्लोवाकिया, ये हंगरी, ये मोल्डोवा, ये रोमानिया, ये बुल्गेरिया, ये टर्की एंड ये जॉर्जिया, ठीक है। ये आप समझते हैं क्या, ये तो प्रेजेंट का कंडीशन, ठीक, ये रहा यूक्रेन। ये मेनली अभी जो अभी के टाइम जो हम इशू देख रहे हैं ना, तो देखो आज के टाइम में क्या होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर मान लो किसी के बीच में हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आज का कुछ मतलब कुछ रिसेंट इनिशिएटिव कारण हुआ हो, ठीक है। तो कोई भी इंसान या दो, मान लो कि आपका आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आप इग्नोर करते बहुत सारे बातों को, ठीक है, आपको बुरा लगता, ऐसा नहीं लग होता है कि आज उसने कुछ कहा आपको बुरा लगा तो आपने उसी के साथ झगड़ा स्टार्ट कर दिया, ठीक। स्टार्टिंग में क्या करता है कि हर इंसान पीसफुल होता है, स्टार्टिंग में क्या करता है, वो चीजों को इग्नोर करता है, ठीक है, देखिए जमा करता है, या फिर अंदर होता है ना कि अंदर जमा कर रखना, और एक बार वॉल्केनो के टाइप का फोड़ देना, बाहर पूरा निकाल देना। तो सेम चीज यहाँ पर भी, क्या हिस्टोरिकल रीजन ये था कि इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, और अभी जो वॉर हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या है कि जो पास्ट से जो इवेंट चले आ रहा था ना, उसी का फाइनल रिजल्ट है वो, ठीक है। तो वो छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो हाँ, देख लिया हमने। अब अभी के टाइम में जो इश्यू हो रहा है उसको समझना है अगर ठीक से, है ना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में समझाऊं जिससे कि इजिली समझ में आए, ठीक। अगर अभी का प्रेजेंट इश्यू में क्यों हो रहा है ये समझना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, और अभी ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो रशिया का कारण हो रहा है, ये तो यूक्रेन का कारण हो रहा है, ये तो यूएसए का कारण हो रहा है मेरा, ठीक है। लेकिन रियल में अगर देखा जाए, तो हिस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए, तो ये जो अभी का जो प्रेजेंट का सिचुएशन है ना, इतना जो मतलब झोलझाल हो रहा है, ये ना तो रशिया का कारण है उतना, ना तो यूएसए का कारण है, ना तो यूक्रेन के कारण है, ठीक है, किसके कारण है, ये जो अभी का इश्यू है उसका एक ही रूट है, कॉज है, हिस्टोरिकल रूट कॉज है, वो है हमारा ये इंसान, ठीक है, ये इंसान हिटलर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अभी प्रेजेंट में यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रहा है, तो उसमें यूक्रेन हिटलर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो मतलब जैसा मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट में अगर सिचुएशन समझना है कि ऐसा क्यों हुआ है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक। हिस्ट्री में अगर झांकेंगे तो समझ में आया क्या कि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसी के कारण हो रहा है, इसी इंसान के कारण, क्यों, अब देखते हैं थोड़ा सा। अब ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं उतना, थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर टू का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या इवेंट हुआ, स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो ये रहा मेरा जर्मनी, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये रहा मेरा जर्मनी, ठीक है। अब हिटलर रहा यहाँ का, ठीक। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में मेनली क्या हुआ था कि दो टीम था ना, ए और बी मान लिया जाए, एक के साथ में कौन था, जर्मनी था, जापान था और इटली था, ठीक है। इधर साइड कौन था हमारा, यूएसए मान सकते हैं, यूएसए था, फ्रांस था, ये रशिया था, ठीक है, यूके था, ये सब था हमारा, ठीक। ये रहा जर्मनी, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, जर्मनी, ठीक है। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, ठीक। अब हिटलर आया, हिटलर ने ये बोला भैया
हमको डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना, हमको अपना दोबारा स्वर्ण युग या गोल्डन एज वापस लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आसपास के एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा। और सिर्फ जर्मनी नहीं, उस टाइम के जो थिंकिंग था सबका वैसा ही था, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, चाहे इटली हो, सब आसपास के एरिया को कैप्चर कर रहे थे, सब ने अफ्रीका को आपस में बांट के रखा था केक के जैसा, ठीक है। तो जो भी हो, तो क्या हुआ कि हिटलर ने क्या हुआ कि उसको एक्सपेंड करना था, ठीक ना, एक्सपेंड करना था, प्लस वर्ल्ड वॉर वन में जो हारा था जर्मनी उसका बदला भी लेना था। तो जर्मनी ने क्या किया, इधर फ्रांस में अटैक किया, ठीक है, फ्रांस में अटैक करके उसको अनेक्स कर लिया, ठीक है, ये आ गया जर्मनी के कंट्रोल में, आसपास के कंट्री में भी इसने अनेक्स करके इसको जोड़ लिया, ठीक ना, क्लियर। अभी जो ये सब कंट्री हम लोग देख रहे हैं, तो अभी ये सब कंट्री उस समय नहीं था, ठीक, जो भी था। तो पोलैंड में फिर क्या हुआ कि जर्मनी को लगा कि नहीं भैया पोलैंड के पास ही बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक, तो पोलैंड पे भी अटैक करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पोलैंड जो था ये सब कंट्री उस टाइम नहीं था, ठीक, इसको हटा दो, ये रशिया था यहाँ पे पूरा। हाँ, बट जर्मनी को ये लगा अगर हम पोलैंड पर अटैक करेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इधर बाउंड्री में रशिया है, ठीक है, तो रशिया को ऐसा लगा कि हम उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आप एक तो ऑलरेडी वेस्ट में फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, यूके हुआ, उसके साथ आप लड़ रहे हो, और वैसे में अगर वेस्ट में रशिया के साथ लड़ना पड़े तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टू फ्रंट वॉर हो जाएगा, तो ये तो मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जर्मनी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, इसने रशिया वालों को बोला कि भैया सुनो, इधर खोपचे में उसको बुलाया, बोला देखो भाई ऐसा बात है ना, हम पोलैंड पर अटैक करेंगे लेकिन आप मत डरो, ठीक ना, आप कुछ मत करना, क्योंकि जो पोलैंड पर अनेक्स करने के बाद जो जमीन हमारे कंट्रोल में आएगा उसमें से थोड़ा सा जमीन हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्या हिटलर ने क्या बोला कि भैया हम पोलैंड पर अटैक करने वाले हैं, आप न्यूट्रल रहना, आप कुछ मत रिएक्ट करना, जब हम लोग अनेक्स कर लेंगे तो उसमें थोड़ा सा जमीन आपको ले लेना, ठीक है। रशिया वाले को भी यहाँ फायदा हुआ, तो रशिया वाले ने बोला ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट, गो ऑन, ठीक ठीक है, चलो फिर ये हो गया। अब ट्रीटी क्या था कि भैया आप रशिया पे अटैक नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब होता है ना कि हिटलर को फ्रांस के अंदर बहुत ज्यादा विन मिल गया, ठीक ना, यूके को भी उसने काफी हद तक सप्रेस कर दिया था एक मूवमेंट ऑफ वॉर के अंदर, ठीक है। अब क्या था, हिटलर को ये लगा कि अब तो मैं बादशाह बन चुका हूँ, जो मन वो कर लूंगा, ठीक, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो कि हिटलर ने ये सोचा कि भैया वेस्ट में तो एक्सपेंड कर रहा हूं, अब एक काम करता हूं मैं ईस्ट में एक्सपेंड करता हूं, पोलैंड के आगे जाके उसने क्या किया, गलती जो सबसे बड़ा मिस्टेक कहा जाता है वर्ल्ड वॉर टू का, कि हिटलर ने ये डिसाइड किया कि अब मुझे रशिया पे अटैक करना है। तो हिटलर ने क्या किया, रशिया पे अटैक किया, ठीक है, हिटलर ने रशिया पे अटैक किया। अब प्रॉब्लम यहां से ये स्टार्ट हो गया कि उसने ऑलरेडी जो रशिया अभी तक न्यूट्रल था, बिकॉज उसके साथ जर्मनी का ट्रीटी था, ठीक है, कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उस ट्रीटी को हिटलर ने तोड़ा और उसने रशिया पे अटैक किया, ठीक, यहां तक स्टोरी क्लियर है, ठीक है। हिटलर ने रशिया पे अटैक किया, ठीक, अब क्या हुआ, अब रशिया इतना बड़ा है, ठीक है, और दूसरा चीज, जब उसने अटैक किया वो टाइम था, रेनी सीजन था और विंटर सीजन था, ठीक, और रशिया इतना बड़ा था कि मतलब उसको कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन किया हिटलर ने थोड़ा सा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब जर्मन का आर्मी वहां पे गया, ठीक, तो उसको बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी के टाइम तो रोड वगैरह था नहीं ना उतना, ना कीचड़ हो गया, ये हुआ, बीमार हो गया लोग, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ जर्मनी को, और ठीक है, और दूसरा चीज क्या हुआ कि जर्मनी को सपोर्ट ना मिले, इसलिए क्या हुआ, रशियन लोगों ने एक वॉर स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट किया कि जैसे जैसे वो लोग पीछे जा रहे थे वैसे वैसे अपने गाँव को जला रहे थे, जिससे कि कल को अगर जर्मन सोल्जर वहां पे आते हैं तो उनको सपोर्ट के लिए कोई अनाज वनाज कुछ भी ना मिल पाए, ठीक है। जो भी है, इन मोर ऑफ द स्टोरी ये रहा कि हिटलर ने रशिया पे अटैक किया, ठीक है, रशिया ने अभी तक रशिया चुपचाप था, बिकॉज रशिया को इंश्योर था कि भैया ये हिटलर हम पे अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रीटी था। लेकिन जब हिटलर ने रशिया पे अटैक कर लिया तो क्या हुआ, रशिया ने मतलब रशिया ने खुद को डिफेंड किया, और डिफेंड करते करते क्या हुआ, वापस उसने जर्मनी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर अब रशिया जब फुल पावर के साथ, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एक मतलब वेपन्स का या फिर जो सुपर पावर बोल सकते हो, एक पावरफुल कंट्री था उस टाइम में, ठीक है, तो रशिया ने क्या किया, अपना आर्मी को असेंबल करके इस पर अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक। और इधर क्या हुआ, इधर का किस्त देख लेते क्या, कि यहाँ पे सब कुछ चंगा चल रहा है, ठीक है, लेकिन गलती क्या हुआ कि जब जापान ने, हटाओ ये सब चीज डिटेल्स पर जाएगा, तो इधर क्या हुआ कि ये लोग ने भी थोड़ा संभले, और इधर से भी इन्होंने भी बैक स्ट्रेटजी के थ्रू इन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट किया। तो अब क्या हुआ, इधर वेस्ट तरफ से भी जर्मनी को हार मिलने लगा, और ईस्ट साइड से रशिया पूरा घुसते घुसते यहाँ पे आ गया, ठीक है, पूरा घुसते घुसते यहाँ बर्लिन तक वो लोग पहुंच गया, ठीक है। अब मोरल स्टोरी पे हम लोग ये आते हैं कि हुआ क्या एट द लास्ट। अब कंडीशन ये था एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, ये रहा बर्लिन सिटी, बर्लिन में ईस्ट साइड से रशिया वाले
रिटेलिएट करते करते अटैक करते करते यहां तक पहुंच गए सिटी के, ठीक है, और वेस्ट साइड से ज्वाइंट फोर्स ऑफ यूएस यूके एंड फ्रांस, ठीक है। अब ये, अब क्या हुआ, जब ट्रीटी साइन हुआ तो ये डिसाइड किया है कि भैया कि जो एरिया आपने बर्लिन का वेस्ट वालों ने अपने हाथ में रखा हुआ वो लोग ले लेंगे, और इतना एरिया जो कि रशिया ने एनेक्स किया था या फिर रूल किया था वो रशिया के पास चला गया, ठीक है। अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू जो वर्ल्ड था या जो यूरोप था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, क्लियर। तो वेस्ट जर्मनी जो था वो क्या था, ये यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब कंट्री कंट्रोल में, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रोल में था, ठीक है, डेमोक्रेटिक सपोर्टेड गवर्नमेंट था वहां पे। और यहाँ जो था ये था मेरा क्या, कम्युनिस्ट सपोर्टिव गवर्नमेंट, क्लियर, ये चीज क्लियर है वो। क्या एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। इसके बाद ही क्या होता है, ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, ये वाला जो पार्ट था ये कहलाया आगे चला क्या, यूएसएसआर। तो आगे देखते हैं, तो बस यहाँ पे ये समझना है क्या, कि समझाने के लिए, क्योंकि यूएसएसआर कैसे बना वो समझे बिना हम लोग समझ नहीं पाएंगे अभी का इश्यू। हाँ, तो कंडीशन ये क्या बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वाला मैप बना हुआ, ठीक है जी। अब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, यूरोप दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कंट्री हमारा वेस्टर्न साइड में था उन्होंने क्या किया, आपस में, अब इनके बीच में डर ये भी लग रहा था कि भैया हम सुपर पावर, मतलब दो कंट्री है, ठीक है ना, तो ये इनके बीच में आपस में कल को लड़ाई ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, मिलिट्री अलायंस बनाया, क्या कि जो वेस्ट में जा रहे कंट्री थे यूएसएसआर वगैरह था, ठीक ना, उन्होंने क्या बनाया, मिलके एक मिलिट्री पैक्ट बनाया जिसको उन्होंने कहा वार्सो पैक्ट, ठीक, जिसके अंदर क्या था, रशिया था, पोलैंड था, रोमानिया था, ये सब था। अभी देख रहे हैं हम लोग क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में यूक्रेन कहीं पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन उसमें बना ही नहीं था, ठीक है। तो क्या कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड जो होता है यूरोप के अंदर क्या होता है कि कंट्री जो होता है आपस में मिलिट्री अलायंस करते हैं, वेस्ट वाले जो होते हैं वो आपस में नेटो बनाते हैं, ठीक ना, नेटो बनाते हैं, और ईस्ट वाले आपस में वार्सो पैक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लियर। ये मिलिट्री अलायंस होता क्या है, मिलिट्री अलायंस में ली नेटो जो है उसका एक मोटिव ये था, क्योंकि वॉर्सो खत्म हो चुका, क्यों हुआ बताऊंगा बाद में, नेटो अभी भी चल रहा है, तो ये जो मिलिट्री अलायंस होता है इनका मोटिव क्या होता है, वो क्या काम कैसे करता है, वो काम ऐसे करता है कि जैसे मान लो कि 40 कंट्री है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा कि इनका फंक्शनिंग क्या होता है, इन 40 कंट्री में से अगर आपने किसी एक कंट्री पर भी, इन 40 कंट्री में से, ठीक ना, किसी किसी एक कंट्री पर भी अगर कोई अटैक करता है तो वो 40 कंट्री को क्या मानेंगे कि वो पूरा 40 कंट्री पे अटैक है, वो 40 से 40 कंट्री उसका सपोर्ट करेंगे उस वॉर के अंदर। जैसे मान लो कि ये सिंपल मान लो ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों का एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है, और कल को अगर मान लो कि एम ने इनके पर, एम ने मान लो कल को डी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब अटैक डी पर हुआ है लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस का पार्ट है इसलिए इसको माना क्या जाएगा कि ये पूरा ए बी सी पूरे पे अटैक है, और ये फिर क्या होगा कि ए बी सी के पास राइट होगा कि चारों मिलकर डी का हेल्प करके इसके ऊपर रिवर्स में अटैक कर पाए, ठीक है। तो ये होता है मिलिट्री पैक्ट, किसी एक एक पे अटैक करोगे तो उसको माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक किया, ठीक, जैसे फैमिली मेंबर है, किसी एक फैमिली मेंबर पे आप अटैक करोगे तो पूरा फैमिली दुश्मनी निभाता है ना, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वर्ल्ड ये दो पार्ट डिवाइड हो गया हमारा, ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हाँ ज्यादा उड़ी है वो माइंड के अंदर जाता था, तो अब आ जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ये नाटो का मतलब समझ में नहीं आया। अटलांटिक, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अटलांटिक कंट्री है ना, इस अटलांटिक कंट्री के नॉर्थ में, ठीक है, जो जो कंट्रीज है उनके बीच में से, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, सब नॉर्थ में ही है ना, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में ही है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक का साउथ, साउथ अटलांटिक में तो अफ्रीका वगैरह आ जाते हैं ना, ये मैं डिटेल में बात बता दूंगा, लेकिन अभी हम इशू समझ रहे हैं, ठीक है। तो नेटो एक, खाली ये देखना, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है बिटवीन यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, जो कि एक कंबाइंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, किसी एक कंट्री पे भी आप अटैक करोगे तो उसको क्या माना जाएगा कि आपने सब पे अटैक किया है, क्लियर, ये नेटवर्क कॉन्सेप्ट है। तो उसके रिवर्स में वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था, ठीक, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि आगे चले क्या होता है कि देखो ये डेमोक्रेटिक कंट्री था, इनके पास प्रोडक्शन अच्छा था, सब कुछ था, ठीक है, ये बाद में वो करते हैं,
क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट था लोगों के पास, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं था। तो आगे चलकर क्या होता है ना कि 1990s तक आते आते इन सारे कंट्रीज के अंदर थोड़ा प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, प्रोटेस्ट होता है कि थोड़ा मतलब इंडिपेंडेंस के पाने के लिए, ठीक। तो क्या होता है बाद में जो यूएसएसआर का जो उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये लोग इंडिपेंडेंस का मांग कर रहे हैं और किसी को भी एक लिमिट से कंट्रोल करना ठीक नहीं होता या फिर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि ठीक है इन सारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, ठीक। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये जो पूरा यूएसएसआर के अंदर में जो कंट्रीज था वो बाद में क्या होता है उनसे इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करते हैं और टोटल जो यूएसएसआर था उसमें से टोटल 15 या 16 कंट्री निकल बनते हैं नए वाले। ये मैप से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो ये जो पूरा था ये क्या था पूरा यूएसएसआर था हमारा, ठीक है। बाद में क्या होता है 1991 के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, एक साथ नहीं होता है, एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है 5-6 साल तक। धीरे धीरे कुछ कंट्री इस साल होते हैं, कुछ अगले साल, कुछ अगले साल, इस टाइप करके टोटल 15-16 कंट्री जो होते हैं उससे टूट के अलग इंडिपेंडेंट नेशन बना लेते हैं जो कि एक टाइम यूएसएसआर का पार्ट था। जैसे एग्जाम्पल ये देख लिया जाए यूक्रेन, तो मतलब क्या जो यूक्रेन था वो क्या था यूएसएसआर का पार्ट था लेकिन वो बाद में एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है 1991 के अंदर, ठीक है। सेम हमारा जॉर्जिया ही बनता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब बाद में यूएसएसआर से टूट के बनते हैं। यहां तक स्टोरी क्लियर है? तो मतलब क्या एक टाइम में क्या था यूक्रेन जो था हमारा वो यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। और नॉर्मली फैमिली में क्या होता है कि जो मतलब आफ्टर द मान लो कि एक चार बेटे है, ठीक ना, तो मेनली क्या होता है चार चार बेटे में से आफ्टर फादर्स डेथ, ठीक है, तो बड़ा बेटा होता है वो क्या बोलता है भैया इस पूरा खानदान का वारिस मैं हूँ बिकॉज ये मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी क्या हुआ क्या यूएसएसआर भाई टूट गया बट रशिया का अप्रोच ये रहता है कि भैया मैं सबसे बड़ा हूँ इन सब में इसलिए आप लोग मेरा बात मानोगे, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन हम आपको फिर भी मेरा बात मानना पड़ेगा। तो इस तरह का एटीट्यूड होता है कि एक लिमिट से ज्यादा आप इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हो, इंडिपेंडेंट कंट्री है लेकिन फिर भी रशिया को उन सब क्लोज रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी है तो हम लोग समझ में इतना ये आ गया हम लोगों क्या कि 1991 के अंदर यूक्रेन बनता है जो कि पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, क्लियर है? अब क्या इश्यू हो रहा है, अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, कि यूक्रेन यूएसएसआर का एक पार्ट था जो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, ठीक, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, मोर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब अभी का इश्यू क्या है, अभी का इशू मेनली ये है। देखो एक चीज और, एक बार और नेटो का मैप देख लेगा, ठीक ना। हाँ अब क्या है नेटो के मैप में एक चीज समझना, यहाँ पर क्या अब ये मिलिट्री अलायंस है, ज्वाइंट मिलिट्री अलायंस, मतलब क्या कि अगर आप किसी एक पे भी अटैक करोगे तो आपको माना जाएगा आपने पूरे ग्रुप पे अटैक किया, ठीक है। तो ये लोग क्या करता है हर कंट्री में अपना ट्रूप्स जो जो कंट्रीज का मान लो कि मेंबर बना हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि जर्मनी इसका मेंबर है, ठीक है, तो जर्मनी के अंदर नेटो का एक फोर्स होगा, नेटो के अंदर कुछ मतलब नेटो का जो मान लो ट्रूप होता है ना आर्मी कैंप, ठीक ना, उसके अंदर कुछ जर्मनी के भी लोग रहेंगे, कुछ आर्मी सोल्जर्स रहेंगे, कुछ मिक्स होता है वो यूएसएसआर के भी रहेंगे, ठीक है ना, यूएसए के भी रहेंगे, कुछ फ्रांस के भी रहेंगे, कुछ यूके के भी रहेंगे, तो मिक्स ट्रूप होता है वो, ठीक है, वो 40 कंट्री का, ठीक। तो अब मान लो कि नेटो के मेंबर यूनाइटेड किंगडम्स के, ठीक, तो मतलब क्या यहाँ पर भी कुछ उसके मिसाइल्स या फिर कुछ उसके वीपन्स या कुछ ट्रूप्स मैनेज करेंगे वहां पर रहेंगे, फ्रांस अगर मेंबर है तो फ्रांस में भी रहेंगे, तो मतलब जो जो उसका मेंबर कंट्री होगा वहां वहां उसका एक ट्रूप तैनात रहेगा, ठीक है, आप आर्म्स वगैरह रहेगा, ठीक, मिसाइल वगैरह मतलब यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि पोलैंड भी उसका कंट्री है, ठीक है, मान लो इटली है, ठीक, तो इटली में के अंदर भी नेटो का एक कैंप होगा एक, ठीक, तो हर कंट्री जो जो नेटो का मेंबर होगा वहां पे एक नेटो का कैंप होता है टू डील विद द मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, ठीक है। चलो अभी देखते हैं सिचुएशन पे, ये समझ में आ गया नेटो का काम कि भैया सिंपल सा बात है क्या कि जहां जहां नेट जो जो कंट्री नेटो का मेंबर रहेगा वहां वहां उसका एक ट्रूप मैनेज किया जाएगा, ठीक है। आते अभी का, ठीक है, अभी देखो अब क्या सिचुएशन है। अब देखते हैं क्या हमने देख लिया क्या वो अब नेटो एक्सपेंड कैसे किया है। अब देखो 1949 तक तो ये था, ठीक, ये हटा दो, ठीक। अब देखो क्या इशू क्या है अभी का, मैंने क्या बताया कि जो जो कंट्री नेटो का मेंबर बनेगा, ठीक है, वहां पर नेटो का एक फोर्स या एक ट्रूप तैनात किया जाएगा, ठीक। अब देखो अब रशिया ये रहा मेरा, ठीक है, रशिया के पास देखो ये कंट्री है जिसका बॉर्डर टच होता है, ये कंट्री नेटो का मेंबर है, ये कंट्री नेटो का मेंबर, ये कंट्री नेटो का मेंबर है, तो मतलब क्या कि धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक्सपेंड करते करते नेटो रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया,
बिल्कुल बॉर्डर एरिया में उसका मिसाइल लॉन्च या फिर नेटो का ट्रुप तैनात हो गया। तो अब सिंपल सा बात है क्या कि दुश्मन अगर मान लो कि आगे बढ़ते 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 मेरे घर के पास आ जाए तो नेचुरल सा बात है मेरे अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट आएगा, ठीक है। तो उसको लेके थोड़ा सा रशिया एग्रेसिव हुआ है, ठीक। तो ये सब था। तो जॉर्जिया ने क्या काम किया था, ये वाले कंट्री ने, कि बोला भैया हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज उसको पता था अगर मैंने ज्वाइन किया तो मैं फिर वो बन जाऊंगा, मतलब एक टाइप से क्या होता है कुश्ती का मेला, बिकॉज इधर से रशिया होगा इधर से नेटो होगा, तो इसलिए इसने इंडिपेंडेंट नेशन या फिर बोला कि हम ज्वाइन नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन यूक्रेन ने क्या बोला, बोला कि भैया हम ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ज्वाइन नहीं हुआ यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन ने ये बोला कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर मान लो यूक्रेन ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो रशिया का टेंशन यही है कि अगर मान लो यूक्रेन अगर ज्वाइन कर लेता, ठीक है, अगर मान लो यूक्रेन एट प्रेजेंट अगर यूक्रेन अभी नेटो का मेंबर होता तो उससे फायदा क्या होता, उससे फायदा ये होता कि अगर रशिया ने अभी अटैक किया होता यूक्रेन के ऊपर तो पूरा पूरा 40 कंट्री वहां पर नेटो का पूरा आर्मी वहां पर जाता, मतलब यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब हो गया, उन सबको अपना फोर्स वहां भेजना पड़ता बिकॉज ऑफ द ट्रीटी। लेकिन यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है लेकिन अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए रशिया को ये लगा कि अगर ज्वाइन करने से पहले ही हम इसको सबक सिखा के अपने अंदर मिला ले या फिर इसको जो एक्सटर्नल ट्रीटी होता है उसका राइट से छीन ले, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट को चेंज कर दे, तो फिर ये ज्वाइन नहीं कर पाएगा। बिकॉज कल को अगर ज्वाइन कर लेता है तो बॉर्डर एरिया में सबसे बड़ा कंट्री है यूक्रेन, अगर वहां पे अगर नेटो का आर्मी, नेटो का मिसाइल, नेटो का ट्रूप आ जाए तो फिर रशिया के लिए बहुत ज्यादा मतलब सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये रीजन था पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सिक्योरिटी रीजन, मिलिट्री रीजन, ठीक ना। एक बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्रीमिया को या फिर यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसका एरिया को लेने का, इकोनॉमिकल रीजन, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री के अंदर कोई भी वॉर होता है तो उसका इकोनॉमिकल रीजन होता है, दो ही रीजन होता है वॉर का, ठीक ना, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता। इसके अलावा जो भी रीजन दिया जाता है वो सब मतलब आंखों में धूल झोंकने के लिए या फिर एज अ प्रोपेगेंडा होता है कि हम लोग डेमोक्रेसी बताना बचाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, नहीं, रियल में दो ही रीजन होता है, खुद को, खुद का पावर को प्रमोट करना और खुद का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। अब यहाँ पर गेम क्या है, यहाँ पर गेम ये है, ये देखो यहाँ पर, ये रहा मेरा ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिकल रीजन क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिकल रीजन ये देखो, ये रहा मेरा रशिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर कि रशिया जो है उसका जो एक टाइप से, अब देखो ट्रेडिंग के लिए क्या आपको, आपको चाहिए सी चाहिए, ठीक है, सी कोस्ट चाहिए। अब रशिया के पास सी कोस्ट है नहीं, अगर मान लो ये वाला एरिया है तो इसको यहां से पूरा यहां भेजना पड़ेगा, फिर यहां से जाके सी ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और मेली है, तो मेली क्या होता है, कोई डायरेक्ट लैंड रूट नहीं है रशिया के पास डायरेक्टली सी ट्रेड करने के लिए, ठीक। अब क्या है देखो यहाँ पे, जैसे ये मान लो ब्लैक सी है, ठीक है, अब ये रहा रशिया, तो यहाँ पे मान लो कोई एरिया है, ठीक, रशिया का, अगर मान लो उसको ट्रेड करना हो सी पोर्ट के थ्रू तो पूरा उसको यहाँ पर आके करना पड़ता है, ठीक। तो अब रशिया ने क्या काम किया था कि उसने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, क्रीमिया को ये पहले यूक्रेन का ही पार्ट था, ठीक है, लेकिन उसको अनेक्स कर फायदा इसको ये मिला कि अब डायरेक्टली वो इस थ्रू सी लैंड का यूज करके आराम से यहाँ से ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो एक एक्सेस टू सी लैंड भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिसके कारण कि उसने क्रीमिया को अनेक्स किया, ठीक। और मेन रीजन यही है कि क्रीमिया को इन द लॉन्ग रन ही नेटो का मेंबर बनने से रोकना, क्योंकि वहां का जो अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूक्रेन का, वो क्या चाहता है कि हम लोग नेटो का पार्ट बने, ठीक है, नेटो का पार्ट बने। अब नेटो का पार्ट बनने से क्या होगा, यूक्रेन को तो सिक्योरिटी मिलेगा लेकिन रशिया के लिए वो सिक्योरिटी थ्रेट होगा, इसलिए क्या चाहता है कि अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हथियार डाल दे रशिया के सामने, जिससे कि वहां पे अब मतलब यूएसए, यूएसएसआर या फिर जो रशिया, रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट है वो वहां पे आ जाए और वो नेटो के साथ अपना जो इंगेजमेंट बढ़ा रहा है वो ना बढ़ाए। तो ये मेनली इसको अगर ऐसा समझा रहा है तो ये ऐसा समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि तीन फ्रेंड है, ठीक ना, ए बी और सी, ठीक। अब क्या होता है यहाँ पॉजिटिवनेस, ठीक है, अब क्या है ए और सी, ठीक ना। अब बी जो है, बी का अगर दोस्ती मान लो एक साथ ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो सी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, उसको डर लग रहा है कि भैया मेरा फ्रेंड चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सी ने क्या किया, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कि जो बी है वो उसके साथ अटैच रहे और ए के साथ ज्यादा इंगेजमेंट ना बढ़ाए, ठीक है। तो मेन इशू यहाँ पे यही है, ठीक। अब ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पे ये समझना पड़ेगा हम लोगों को क्या इसका इंडिया पे क्या अटैक पड़ेगा। सबसे पहले तो बात ये कि जो पूरा सेंट्रल एशिया का जो रीजन है ना, रशिया जो है, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो मतलब प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, ठीक है। अब अगर मान लो कि रशिया अगर वॉर में है, पूरा वर्ल्ड कंट्री उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा सा इफेक्ट करेगा और क्रूड
क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो बढ़ भी रहा है, ठीक ना? तो इंडिया के लिए ये बैड न्यूज, ठीक। सेकेंड, इंडिया का अप्रोक्स 30% जो सरसों का तेल आता है ना, वो यूक्रेन से ही आता है, ठीक है? सरसों जो आता है यूक्रेन से ही आता है, तो मतलब क्या, अगर यूक्रेन पर अटैक है तो वो हमारा सरसों तेल भेज नहीं पाएगा यूक्रेन हमारा, तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक ना? फिर सरसों का तेल कैसे खाओगे? वो थर्ड, यूक्रेन जो है एक इम्पोर्टेंट मार्केट है हमारे टी के लिए, ठीक ना, चाय कॉफी के लिए। तो यूक्रेन में अगर वॉर है तो लोग डिमांड उनका इफेक्ट करेगा, तो फिर हमारा चाय और कॉफी का जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, वो डिक्लाइन करेगा हमारा, ठीक। और भी बहुत सारा चीज, जैसे हमारा बहुत सारा एडुकेशन पर्पज के लिए वहां पे लोग जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा एनर्जी सेक्टर में गैस का बहुत सारा ट्रीटी है हमारे पास पास, ठीक। और भी बहुत सारा ट्रीटी, लाइक एग्जाम्पल वहां से कोल आता है हमारा, तो कोल कम होगा तो वो इफेक्ट पड़ेगा हमारे पावर सप्लाई के ऊपर, ठीक ना, हमारी स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। और भी बहुत सारा इम्पैक्ट है, ठीक। तो फोकस हमें ये करना है बस कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्लियर? तो आई होप अब ये क्लियर हो चुका होगा। अगर अब कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हो। नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं। क्लियर है? तो मतलब क्या, देखो वॉर में क्या होता है ना, प्रेजेंट में सिचुएशन हो रहा है, चाहे वॉर अभी का कोई भी कंट्री का वॉर हो, ठीक ना, तो प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पास से रिलेट करता है। तो अगर प्रेजेंट को अच्छे समझना है तो पास को अच्छे समझना पड़ेगा, ठीक। सब स्टोरी स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही, ठीक है, क्योंकि तो उसको मौका मिला रशिया को, और वो पूरा उसने अनेक्स कर लिया वेस्टर्न यूरोप को, ठीक। तो बाद में जिसको उसने फॉर्म करके यूएसएसआर बना लिया, इसमें बहुत सारा चीज माइन्यूट डिटेल्स छूटा हुआ, लाइक एग्जाम्पल कोल्ड वॉर के टाइम में क्या हुआ, ठीक है, कैसे कोल्ड वॉर के टाइम में मतलब सब कंट्रीज ने के अंदर, यूएसएसआर के अंदर में जो कंट्रीज थे वहां पे क्या क्या प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद वहां कंट्री को कैसे रिएक्ट किया गया, यूएसएसआर ने कैसे रिएक्ट किया, ठीक है, ये सब चीजें। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा, तो मैं एंड करता हूँ इसको, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब समझ में आ गया। तो ये इशू, हाँ, बस समझ ये में आ इशू गया। खाली वो है कि एक एक दो अगर पड़ोसी को रोकना है कि वो जाके दुश्मन से ना मिल जाए, सिंपल सा मीन एक लाइन में बोला है तो यही है, ठीक है। पड़ोसी के ऊपर झगड़ा करके प्रेशराइज ये करना है कि पड़ोसी को हमसे डर लगे और पड़ोसी जो है वो जाके हमारे दुश्मन से ना मिले, ठीक है। हेलो हेलो। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करता हूँ मैं। चलो फिर, बाय।